नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है साइना नेहवाल का। जी हाँ दोस्तों, साइना नेहवाल जो हमारे भारतीय बैडमिंटन की सुपरस्टार है, उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन सुपरस्टार कैसे बनी, वो हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखेंगे, उनकी बर्थ डेट के आधार पर देखेंगे। ऐसे कौन कौन से अंक उनकी बर्थ डेट में है जिनकी वजह से आज वो एक सुपरस्टार बन पाए, इससे रिलेटेड आज का मेरा पूरा वीडियो है। और वीडियो को ध्यान से जरूर से देखिए, ताकि आपको भी अगर आपको इस करियर को पसंद करना है तो आपको पता चलेगा कि आपकी बर्थ डेट में अगर ये अंक है तो आपको वो करियर पसंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, न्यूमरोलॉजी काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो है जो है हार्डवर्क। ठीक है, हार्डवर्क के बिना तो ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करते हैं, जिससे साइना नेहवाल की लाइफ में भी इन नंबर ने इफेक्ट कैसे किए वो सब आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो साइना नेहवाल की बर्थ डेट है 17 मार्च 1990, ये उनकी बर्थ डेट है। ठीक है, इससे मैंने ड्राइवर नंबर 8 है, उनका कंडक्टर नंबर 3 है। ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालना है। ठीक है, ड्राइवर नंबर इनका 8 है और कंडक्टर नंबर 3 है। ठीक है, फिर इनकी मैंने लोसू ग्रिड बनाई हुई है। लोसू ग्रिड कैसे बनानी है उसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो सबसे पहले उसे जाकर जरूर से देखिए ताकि आपको पता चले कि ये लोसू ग्रिड कैसे बनाई हुई है। यहाँ 11 आ रहे हैं, यहाँ 7, यहाँ 99, यहाँ 33 और 8 आ रहा है। ठीक है, उनकी बर्थ डेट और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे ये कौन कौन से नंबर है जो उन्होंने उनको ये सक्सेस दिलाती है बैडमिंटन में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 11 यार, 1 यानी कि सूर्य। ठीक है, सूर्य हमें क्या दिला रहा है, हमारी जो कुछ भी कैरियर है उसमें हमें सक्सेस दिलाता है, और वो 2 बार आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसकी इफेक्ट ज्यादा रहेगी। 1 बार आता है उससे, अगर 2 बार आता है तो उसकी इफेक्ट ज्यादा रहती है। तो 2 बार आया हुआ है, इसलिए उन्होंने जो कैरियर पसंद किया हुआ है उसमें उनको सक्सेस मिलती है। अब 2 बार 9 आया हुआ है, 9 यानी कि मार्स मंगल। मंगल क्या करता है कि वो फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। जितने भी आप, सब तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आप प्लेयर देखेंगे तो उनमें ये जो मंगल होगा वो स्ट्रांग होगा। अगर आप कुछ पुलिस वालों की बर्थडे भी देखेंगे ना, आईपीएस जैसे, तो उनमें भी ये 9 नंबर ज्यादा देखेंगे। ठीक है, सभी में नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये 9 नंबर होते हैं, क्योंकि 9 नंबर हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। बैडमिंटन प्लेयर रमते समय कितनी हमें फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो तो एक लड़की है, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई, ये 99 मार्स की वजह से। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्डवर्क तो जरूरी है, लेकिन ये जो नंबर काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड आज का वीडियो है। तो 99 की वजह से वो क्या, वो स्ट्रेंथ, फिजिकली स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहती है, क्योंकि वो मार्स की वजह से। अब दूसरा, गुरु के बिना शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, तो गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है, वो भी 2 बार 3 आ रहा है। 3 जैसे मैंने बताया हुआ है जुपिटर। ठीक है, और साइना नेहवाल के गुरु का नाम क्या है आप जानते हैं, गोपीचंद। ठीक है, गोपीचंद, उन्होंने उनको ये जो 2-3 नंबर है इससे उनको गुरु का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ही गाइडेंस मिला। ठीक है, इसकी वजह से ही वो आगे बढ़ पाई, यानी कैरियर सक्सेस में भी आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि 11 है फिजिकल स्ट्रेंथ 99 की वजह से, और गुरु का सपोर्ट 33 की वजह से। और ये 8 नंबर जो है ये शनि को दर्शाता है, उनका ड्राइवर नंबर भी 8 है, यानी आप देखेंगे तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत ही अप एंड डाउन भी झेलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये शनि की वजह से है, 8 नंबर की वजह से। 8 नंबर अच्छा है कि एक ही बार आया हुआ है, क्योंकि डबल होता तो फिर ज्यादा दिक्कतें आ सकती थी, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में अप एंड डाउन तो जरूर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखें कि शनि ने भले ही उनको बहुत हार्ड वर्क दिया है, बहुत ही मेहनत करवाई है, लेकिन फिर भी वो आप देखिए कहां तक पहुंच गई है। बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम है, गेम्स है, ठीक है, ओलंपिक है, उन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं, उनको बहुत सारे भारत सरकार से अवार्ड भी हासिल किए हुए हैं, यानी ये सब टोटल मिला के देखा जाए तो बहुत सारी उनको सक्सेस मिली है इस बैडमिंटन में। 99 है इसलिए वो इस तरह के करियर में जा सकती है। ठीक है, तो ये सब जो नंबर है, प्लेनेट है, उनके इफेक्ट उन पर पड़ी और उसकी वजह से भी वो सक्सेस
हो पाई। ठीक है, तो ये था साइना नेहवाल का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे और भी मैं वीडियो बताता जाऊंगा और आपको भी पता चलता जाएगा कि आपको भी कौन सा कैरियर पसंद करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर जरूर से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।